अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर देख लोगों ने कहा, ला तो रिमेक ही रहा है ना भाई। अजय देवगन स्टारर दृश्यम ने 2015 में जनता को एक जबरदस्त थ्रिलर कहानी दी। फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई थी जहां से तय था कि कहानी को अभी और आगे जाना है, इसलिए पिछले 7 साल से फैंस दृश्यम 2 का इंतजार टकटकी लगाए कर रहे हैं। अब आखिरकार दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में एक बार फिर से उस केस की फाइल खुल रही है जो जनता में 2 अक्टूबर केस के नाम से पिछले कुछ सालों से खूब पॉपुलर हो चुका है। पिछली बार कहानी में जो किरदार थे वो तो दृश्यम 2 में वापस लौट ही रहे हैं, मगर एक नया दमदार किरदार कहानी में जुड़ गया है जिसे अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। दृश्यम 2 के ट्रेलर में सबसे खास बात तो यह है कि इसमें कहानी के बारे में बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। थ्रिलर फिल्मों के फैंस मेकर्स की इस अदा को पसंद करेंगे, लेकिन ट्रेलर से जो हिंट मिल रहा है उसके हिसाब से अक्षय खन्ना नए कॉप बनकर कहानी में आ रहे हैं, और उन्होंने जैसे कोई कसम खा ली है कि आईजी मीरा देशमुख के मिसिंग बेटे का केस सुलझा कर ही रहेंगे। विजय सालगांवकर का परिवार केस फिर से खुलने से टेंशन में नजर आ रहा है। विजय ने पिछली बार अपनी फैमिली को रटा दिया था कि डरना नहीं है, लेकिन इतने साल बाद केस दोबारा खुलने से डर का पैदा होना लाजमी है। फिल्म को लेकर जितना सोशल मीडिया पर अजय देवगन के फैंस द्वारा प्यार मिल रहा है, तो वही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अजय देवगन फिल्म लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक रिमेक ही कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 मलयालम फिल्म का हिंदी रिमेक है। मलयालम में मोहनलाल ने फिल्म में लीड रोल निभाया था, और अभी बॉलीवुड में भी इसका रिमेक बन गया है जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि कई लोग हैं जो ट्रेलर रिलीज के बाद भी अजय देवगन का मजाक उड़ाते हुए यही बता रहे हैं कि कुछ नया नहीं, लेकिन कर तो रिमेक ही रहे हैं ना। दोस्तों, बॉलीवुड पर लगे बदनामी के दाग पर आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।